हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी ब्रेकफास्ट भी हो चुका है मेरा और मेरे नाक के ऊपर टिक्का गिरा शायद ऊपर से ना, तो ये चंदन ना ऐसा मतलब सूखा टाइप का है, जल्दी से सूख जाता है, पता नहीं क्वालिटी डिफरेंट है या क्या है। तो लगाती हूँ, लगाने के बाद ये सूख जाता है और गिर जाता है अपने आप। मुझे अभी करना है पैकिंग क्योंकि मैं जाने वाली हूँ बहुत दूर, बहुत टाइम के लिए। कहाँ जाने वाली हूँ आप लोगों को पता चल ही जाएगा कुछ दिन के बाद। आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था। और आजकल मेरे बाल बहुत उजड़े चमन जैसे हो गए हैं, बाल में कंघी करने का मन ही नहीं करता है। एक तो इतने हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, उस वजह से भी हो रहा है, और पता नहीं क्यों आलस आ रहा है, बुढ़ापा आ गया या आलसी हो गई हूं मैं, मुझे नहीं पता। तो बालों में कंघी करने का मन ही नहीं करता। नहाया, जूड़ा बना रही हूँ आजकल मैं, तो उस वजह से ना मेरे को ये जड़ों में दर्द हो रहा है। मैं इसीलिए बाल को बांधना बहुत कम बांधती हूँ क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मेरे को सोते समय ना इन जड़ों में दर्द होता है क्योंकि शायद मेरे जो बालों की जड़ें हैं बहुत वीक हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाया ना मैंने 2-3 बार, इस वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए जितना हो सके ट्रीटमेंट ना करवाएं, अपने बालों में बहुत डैमेज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिली को दिखाती हूँ। मिली कहाँ है? उसका तबीयत भी थोड़ा ऐसा लग रहा है, अब माँ से बिछड़ने के बाद थोड़ा उसका वीकनेस तो होगा, या माँ जैसा केयर तो हम कर नहीं सकते उसकी, है ना। उसके बाद उसको रहना होगा तो रहेगी। वैसे मैं बाहर अभी भी लेके जाती हूँ, आज मैं बाहर जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो मैं उसको भी लेके जाऊंगी। अब ना लाइट गई हुई है, लाइट नहीं है इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया है। कितने प्यार से सो रही है ये। तो आप लोगों ने देख लिया, मिली अभी थोड़ा ठीक है, इतना मतलब इतना ज्यादा बीमार नहीं है, थोड़ा सा सुस्त पड़ गई है आज। सोचोगे इतना ज्यादा ब्लैंकेट वगैरह क्यों उसके ऊपर रखा है, तो ये है कि उनको ना ठंड सहन नहीं होती है। देखा था यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके देखा, उसको ठंडे में नहीं रखना होता है और उसको कुछ भी नहीं होगा, डरो मत, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ऐसे ही रख रही हूँ उसको। मैं करती हूँ अपना पैकिंग क्योंकि पैकिंग में मुझे टाइम लगेगा। तो ये है मेरा बैग जिसको मैं लेकर जाऊंगी। इस बार मैं अकेले जा रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है इन लोगों का जॉब ही ऐसा है कि जब बोलो तब उठ के कहीं भी नहीं जा सकते। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, बर्थडे, और उस वजह से मेरे को जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं यार, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है। वो भी समझते हैं मेरी फीलिंग्स, क्यों जा रही हूँ मैं, क्या काम है, उन्हें सब पता है। तो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तब तक तो उनका बर्थडे जा चुका होगा। तो फिलहाल इसको बैग में पैक कर लेती हूँ गाइस, जो मुझे समझ आया मैंने निकाल दिया। तो अभी मैं इसको लाई हूँ बाहर टहलाने के लिए। चलो 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 चलो, गुड गुड, चलो, हाँ ऐसे भागना है। अभी थोड़ा ठीक है ये। आज रात को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ अभी घर पे तो क्या ही सरप्राइज प्लान कर पाऊंगी मैं, मेरे से वैसे होता भी नहीं है। बट हाँ, वो ना बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गहरी नींद में सोते हैं। उस चीज़ का बेनिफिट मुझे ये है कि मैं उसमें कुछ भी काम करूँ तो उनको पता नहीं चलता है। ऐसे भी और टाइम 12-1 बजे तक सो ही नहीं होती, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, फोन छेड़ती हूँ। तो मेरे पास ना मतलब जब हम ऊपर वाले रूम में थे तो उस टाइम पे मैंने एनिवर्सरी के लिए एक बलून वगैरह होते वो ऑर्डर किया था, और उसके बाद ना वो यूज़ हुआ नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दूसरा लेके आ गए थे, फिर वो वैसे ही बच गया था। मैंने वो पार्सल खोल के देखा भी नहीं उसमें क्या क्या है। तो एनिवर्सरी वाला हम हटा सकते हैं और जो बलून है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, देखती हूँ उसमें है सेफ या बलून नहीं है, तो अगर वो सही हुआ तो उसी को यूज़ करो। पार्सल जिसको चूहे ने काट दिया है, सामान सही है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। इसमें शायद टेप है, इसमें है बलून, एक आया है पंप, ओ और ये है हार्ट शेप बलून, 4 है ये। बट आप लोग बोलोगे क्या बर्थडे के दिन रेड वो कर रही है। अब देखो जो चीज है उसको यूज करने में ही भलाई है। इसको मंगा के हो गया शायद 1 साल क्योंकि पिछले साल वाले उसमें मंगाया था मैंने एनिवर्सरी में। और हाँ, एक मुझे कमेंट आ रहा है बार बार कि आप मेकअप गिव अवे कर सकते हो क्या, दी मुझे मेकअप प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा है गाइज, मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट है लेकिन वो सारे मैंने अपने मतलब जो मेरे स्किन टाइप के लिए सूट होते हैं वो मैंने खरीदे हैं। मुझे आज तक एक भी पेड प्रमोशन जो होता है प्रमोशनल प्रोडक्ट नहीं मिले हैं। अगर हाँ प्रमोशन वाले प्रोडक्ट कोई भी आए बाद में इन फ्यूचर, अगर मैं उतना काम कर पाई कि प्रमोशन वाले प्रोडक्ट मिले मुझे, पर वैसा मिला तो मैं जरूर गिव अवे कर दूंगी क्योंकि मुझे वो रख के कोई फायदा ही नहीं है, है ना। फिलहाल के लिए सो सॉरी क्योंकि मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट ऐसे एक्स्ट्रा है नहीं, वही है जो मैंने खरीदे हुए हैं, उसको मैं गिव अवे नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी इतनी अमीर नहीं हूँ। हाँ इंतजार करो मेरे अमीर होने का, फिर मैं जरूर, सो सॉरी।
अभी नहीं देख सकती फिलहाल के लिए, मुझे भी बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, बट जो सच्चाई है उसको बोलना पड़ेगा। तो खाना पीना हो चुका है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हो एकदम हॉस्पिटल जाने के लिए कौन इतना रेडी होता है भाई। तो वैसे इतना बीमार नहीं हूँ मैं, वो महीने में एक बार मेरे को जागता है इसीलिए मैं बीमार होती हूँ। वैसे अभी इस हाथ में थोड़ा सा दर्द स्टार्ट होने लगा है मेरा। तो अभी चलते हैं गाइस, मिली को भी लेके जा रही हूँ मैं और देखते जो भी होगा आपको बताएंगे। गाइस मैं आ गई हूँ वापस रूम में और आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, जहाँ मैंने एक्सरे करवाना था और मैंने अपना करवाया, लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक भी जो पेट्स के डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी वाले डॉक्टर होते हैं, वो एक भी हॉस्पिटल मिला ही नहीं। मैंने इतना सर्च किया फोन पे, इतना सर्च किया और मुझे ना मिला ही नहीं। वैसे बता दूं एक चीज, जैसे गांव में ऐसा होता है ना, पहले पहले हम होते थे छोटे छोटे बच्चे होते थे हम लोग, तो पहले बुखार आता था, जैसे ही मार्केट पहुंचने वाले होते थे ना अपने आप बुखार गायब हो जाता, ऐसे लगता था कि बहाने मार रहे हैं। और सेम ये कर रही है मेरे साथ आज, अभी मैं इसको लेके आई हूँ, ये ऐसे भाग रही है। सुबह तो नाटक कर रही थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था मुझे, तो ये तब से कुछ खाया नहीं है इसने, तो मैं इसको दूध पिला देती हूँ और पानी पिला देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये भी मेरे साथ गर्मी में रही है। तो मैं आ गई हूँ केक लेकर रूम में और वॉक पे गई थी हम, वैसे मैं लेके आ गई थी साथ में, और अभी मैंने फ्रिज में डाला है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आएंगे वापस तब मुझे थोड़ा बचा कर रखना पड़ेगा, मतलब उनको फ्रिज के पास नहीं जाने देना है मैंने आज। और ये मिली भी इतना हल्ला कर रही है, सुबह मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी और अभी एकदम फिट एंड फाइन है ये। और अभी देखो इसके क्या नाटक हो रहे, आकर ये मेरी चप्पल से ऊपर चढ़ गया, देखो आओ। अच्छा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मिली मिली क्या आवाज की देख रही अब मेरे बाल में घुस जाएगी, क्या हुआ मिली। अभी मैंने इसको दूध पिलाया और इसको एकदम फुर्ती आ गई है। खाना रेडी हो चुका है और हम लोग खाना खाने बैठे हैं, क्योंकि मिली को हमने इससे पहले ही दूध पिला दिया था, तो ये खाना खाने बैठ गए हैं। इधर खाना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस मेरे हस्बैंड सो गए हैं, फटाफट से डेकोरेशन करते, बहुत लेट हो गया। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में और अभी क्या हुआ, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को पार्सल दिखाया था वो मुझे मिला ही नहीं, जो बलून वाला था। इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैंने रखा कहाँ है उसको। तो ये मैं दिन में केक के साथ लेके आई थी, तो इसको ही लगा देती हूँ। और लास्ट में जब मैंने लगाकर ख़त्म किया तो वो बलून भी मिल गया था मुझे। तो गाइस 12 बज चुके हैं, चलो चलते हैं दूसरे रूम में जाऊँ। वो है बुड़ो बुड़ो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नींद से उठो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो गाइस अभी मैंने ये बनाया, बड़े मुश्किल से मेरे को पसीना पसीना हो गया, मुझसे हुआ नहीं, इतना मुश्किल हो गया ना मेरे को अकेले। इतना सब कुछ हुआ, क्या जरूरत थी वैसे। हैप्पी बर्थडे, जाना तो नहीं है फिर, चार हो गए, चलो बैठो केक काटो। आप तो ऐसे आके बैठ गए, टी शर्ट पहन लो बुढ़ो, चलो टी शर्ट ला देती मैं आपके लिए, टी शर्ट बना दी है इनको, तो अभी केक कटाते हैं, चलो कैंडल जलाओ। थैंक यू सो मच, वेलकम, आपने जितना किया था उतना तो हुआ नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, एक भी चलाओ ना, क्या नींद में ताली बजा रही है, ये भी चलाओ, कैंडल नहीं दिख रहा लोगों को नींद में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। ये वो जल्दी बजाओ, फूको 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 जल्दी, चलो विश मांगो, मांग लिया, मांगा नहीं मांगा, मांगो जल्दी, मांग लिया, ना।
कैसे खा रहे हो? मेरे लिए तो बनाएंगे। हाँ आपके लिए बनाए वैसे तो, पर ये चाकू इसमें मत लगाना भी ठीक है, क्योंकि किसी को देना होता है ना चाकू अलग करना। मेरा भी इतना औकात तो नहीं है कि कुछ ब्रांडेड दूं, इतना महंगा अपने पति को गिफ्ट दूं, लेकिन मेरे मन में जो आया मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना ये दिया जाए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ये चीज काम आता है। पर मैंने इसको ना पैकिंग नहीं करवा पाई क्योंकि बोलो ना तभी तो पता चलेगा। तो दिक्कत ये हुआ कि मेरे को ना आज दिन में बिल्कुल टाइम नहीं लगा ये पैकिंग करवाने का, तो ये ऐसे ही है। ये मैंने भी खोल के नहीं देखा है कैसा आया है, देखते हैं इनको पसंद आता है या नहीं। मैंने इनके लिए एक टी शर्ट ऑर्डर किया था, बट इसका कलर ऐसा क्यों आया है? मैंने तो मेहरून कलर ऑर्डर किया था, कलर डिफरेंट आया है यार। ये क्या है? ये क्या है यार? ये तो मैंने देखा नहीं था, ये तो इसमें था नहीं। मुझे लगता है इन लोगों ने कुछ और भेज दिया, मुझे देखना चाहिए था पहले, गलती कर दिया यार नहीं देख के। छी मूड खराब हो गया मेरा, टूटेगा वो कैसे इसको? नहीं दिया क्यों है ये? इन्होंने टी शर्ट तो अच्छा नहीं दिया, मुझे पसंद नहीं आया ये। हमारा पैंट तो है नहीं जिसको हम एक ग्लास लगाए ना, गिलहरी को लगता नहीं मैंने, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं आया है तो मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न कर देती हूँ, मुझे मजा नहीं आया। हाँ इस फ्री का क्या करना, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। ये प्रोडक्ट वो है ही नहीं जो मैंने मंगाया था, रिटर्न करवाऊंगी और अपने हस्बैंड के लिए अच्छा मंगवाऊंगी। भाई मैं इनका मजाक बना रखा है इन लोगों ने, ये अमेजोन से ऑर्डर किया था मैंने, ये क्या भेज दिया इन लोगों ने यार, ये तो रिटर्न हो जाएगा। बट मेरे बर्थडे का मन खराब कर दिया। कोई बात नहीं, आपने इतना केयर लगा के मेरे लिए जाने मन, तो आपने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, पसीना पसीना हो गया। वाह आप बहुत दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ हो। पसीना पसीना हो रहा था। इतना ही था बर्थडे, अब मैं जा रही हूँ कल, तो कैसा फील हो रहा है आपको? ठीक है, जाने वाले तो जाते हैं या क्या करें। थोड़ा देर पहले तो सोया था मैं, इतनी जल्दी बना के तुमने क्या क्या लगा दिया आपने? और आज ना हम लोग लेट सोए एक तो। मैं तो सोई नहीं, मैं कपड़े लपेट रही थी तब तक ये सो गए थे, फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। कूलर की आवाज़ आ रही थी तो कूलर की आवाज़ में इतना पता नहीं चलता, बहुत जोर से आवाज़ करता है वो, तो पता नहीं चलता दरवाजे रूम में अगर जैसे आवाज आवाज आती है तो, इसीलिए मैंने बलून तो मैंने लगाया नहीं क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला यार, दिमाग खराब हो गया। और ये गिफ्ट देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना, सब बढ़िया किया अपने, उस टाइम ही देखना चाहिए था कूलर, बट मैंने ठीक है यार चलता है, इतना ज्यादा वो नहीं लेना होता। हैप्पी बर्थडे। और मैं बुड्ढा हो गया, मैं 1 साल हां और 1 साल आगे जिंदगी के जी रहे हैं, जी लिए इन्होंने, 27 में लग जाएंगे हैं। माय गॉड 27 साल का बुड्ढा हो गया मैं, बुड्ढे से शादी कर लिया। मैं भी तो हो रही हूँ साथ साथ में। तो गाइस अभी के लिए इतना ही था, कल सुबह देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और बाय बाय एंड टेक केयर और हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू सो मच उठने के लिए, वैसे इनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।